One of the most anticipated movies of 2023, Adipurush, has finally hit the theaters today. The mythological drama is a retelling of the Hindu epic Ramayana. In the film helmed by Om Rawat, Prabhas is essaying the role of Raghav or Lord Ram, Kriti Sanon as Janki or Sita, Sunny Singh as Lakshman, Devdutt Nag as Lord Hanuman and Saif Ali Khan as Ravan. The movie is released in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. The big budget multilingual film was reportedly being made on a budget of Rs 500 crore. We talked to people regarding the release of the movie Adipurush and this is what they have to say. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आजकल की न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा से हॉलीवुड मूवीज़ का सुपरमैन लाइक देखते आए हैं, तो आज हनुमान जी को इस रोल में देखा बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छा कृति सेनन का रोल लगा, उन्होंने सीता जी की जो रोल निभाया है बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छा रहा, ओम राउत का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छी मूवी बनी। न्यू जनरेशन के लोग जानेंगे तो कि राम हनुमान मतलब कितना स्ट्रांग उससे दिखाया गया है कि लोग मूवी की तरह ही देखेंगे तब भी जानेंगे कि हाँ भगवान में वाकई में सामर्थ्य है। प्रभास ही बहुत अच्छे दमदार राम बनकर सामने आए हैं जो रावण पर हावी नजर आए। बाहुबली के बाद प्रभास को इतने खतरनाक उसमें राम के अवतार में देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। और राम का ये स्वरूप, क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं ना कि राम काफ़ी निर्मल काफ़ी विनम्र स्वभाव के रहते हैं, बट आजकल के सिनेरियो अकॉर्डिंग जैसे कई सारी मूवीज़ भी आ रही हैं, कश्मीर फाइल्स ऐसी मूवीज़ भी आ रही, तो ये भी दिखा रहे हैं कि अगर बात धर्म पे आती है तो आपका रूप आपका स्वभाव उसके अकॉर्डिंग बदलना आवश्यक है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की प्रभास ने भी, पूरी ओवरऑल टीम में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। VFX भी काफ़ी अच्छा था, मतलब किसी भी हाल में ये लगा नहीं लग रहा था कि एक्चुअली में उस वक्त की सिनेरियो को देख करके वैसा ही दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि उस वक्त वानर दिखाया गया है तो वानर्स को उसी बेस में दिखाया गया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आदिपुरुष मूवी बहुत अच्छी थी। अब VFX की बात की जाए तो जैसा लोग बता रहे थे वैसा उस टाइप के नहीं थी, VFX बहुत अच्छे थे। राम जी का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा प्ले किया गया है, प्रभास की एक्टिंग अच्छी है। फैंस ऑल्सो पोस्टेड रिएक्शंस ऑन ट्विटर एंड गेव अ मिक्स रिव्यू। सम फैंस सेड द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वॉज गुड, वाइल सम फैंस कॉल्ड इट अ डिजास्टर। सम प्रेस्ड प्रभास फॉर हिज एक्टिंग वाइल सम क्रिटिसाइज्ड हिम, सेइंग दैट रामचरण कुड हैव प्लेड द रोल ऑफ राम बेटर देन प्रभास। Other users also criticized the VFX of the film. One user also compared the modern version with the old version and said that Ramanand Sagar's version was better. Some said Sagar's version of Ramayana remains unmatched as it could create magic without any technology and with limited resources.